हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, एंड इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 31 है, जो कि लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे: कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड स्टोरेज क्लास। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं, तो मैं तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। एंड पिछले वीडियोज में मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था, लेक्चर नंबर 28, 29 एंड 30। आई होप कि आपने वो देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। एंड इस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई भी डाउट होता है, तो ये मेरी डिटेल्स हैं जो आप मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड आगे मैं दो लेक्चर और इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करूंगा, जिसमें एक होगा लेक्चर नंबर 32, जिसमें मैं आपको वाइवा के लिए जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है वो बताऊंगा। और वो क्वेश्चंस अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं, जस्ट पास आउट होते हैं और आप कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड उसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि लेक्चर नंबर 33 होगा, जिसमें कुछ सी कोड्स होंगे जिनके आउटपुट्स कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दोनों वीडियोस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी जरूर से देखिएगा। सो अब ये अपना लास्ट इस पूरी प्लेलिस्ट का लेक्चर है, तो इसको फिनिश करते हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली हम जो यूज करते हैं, उसमें जो इनपुट है वो यूजर से ना लेकर हम जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके थ्रू रिसीव करते हैं। तो एक बार मैं पहले अपना प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया मेन। देखो, अभी तक आपने जो मेन फंक्शन यूज किया था, उसके जो पैरेंथेसिस थे वो ब्लैंक थे, बट आज हम इनको फिल करेंगे। तो यहाँ पर दो पैरामीटर में पास करने होते हैं, इंटीजर argc एंड कैरेक्टर पॉइंटर। कैरेक्टर पॉइंटर्स का एक एरे है argv, जिसके अंदर वैल्यूज आएंगी। तो argv मतलब आर्ग्यूमेंट वैल्यूज एंड argc मतलब आर्ग्यूमेंट काउंट। देन मैंने तीन और वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। तो बेसिकली हमें करना क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट से मैं दो वैल्यूज इनपुट कराऊंगा और हमें उनका एडिशन करना है। तो जो वैल्यूज हैं वो argv में स्टोर होंगी कैरेक्टर फॉर्म में, तो उन्हें हमें कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इनपुट करूंगा न्यूमेरिक वैल्यू, बट वो कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो एक फंक्शन होता है a2i, अगर उसमें आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो वो उसका न्यूमेरिकल फॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। तो अभी आपको ये प्रोग्राम पूरा समझ में नहीं आएगा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तब आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है। बट आप ये देख सकते हैं कि मैंने कहीं भी स्कैनफ नहीं लिखा है, बट फिर भी हम वैल्यूज इनपुट कर पाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट से और आउटपुट आपके सामने जनरेट होगा। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर आपने कोड सेव किया है वो पाथ आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पाथ है डी ड्राइव डेमो, एंड डेमो के अंदर फाइल है test.c, ठीक है। तो अब हमें इस फाइल को सेव करना है, इसको कंपाइल और रन करेंगे। तो ओके, एक फंक्शन हमें और इंक्लूड, सॉरी एक हेडर फाइल हमें और इंक्लूड करनी है, stdlib.h। ठीक है, तो अभी यहां पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है, मैंने इसको कंपाइल और रन किया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, सम 0 प्रिंट हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन नहीं किया। तो जो नॉर्मल हम एग्जीक्यूशन करते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट नहीं होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉस ओपन करना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो या आप टाइप करेंगे cmd यूज करेंगे तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पाथ कुछ और है, तो मुझे डी ड्राइव में जाना पड़ेगा। तो आप टाइप करो d:enter, फिर लिखोगे cd space demo। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर। तो डॉस में डायरेक्टरी को फोल्डर बोलते हैं, तो हमें डेमो फोल्डर में जाना है। अब इसके अंदर टेस्ट नाम का एक प्रोग्राम हमने ऑलरेडी बना के सेव किया हुआ है, तो आप लिखोगे test space 10 space 20। तो अब देखो, अगर मैं इसको प्रोग्राम से रिलेट करूं, तो मैंने टोटल 3 पैरामीटर पास किए हैं, एक प्रोग्राम का नेम टेस्ट, एक फर्स्ट वैल्यू 10 एंड सेकंड वैल्यू 20। तो जो टेस्ट है वो इस argv में 0 इंडेक्स पर जाएगा, 10 1 इंडेक्स पर जाएगा और 20 2
टू इंडेक्स पर जाएगा। तो इसी वजह से लाइन नंबर 7 में मैंने लिखा है ARGV1 और ARGV2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जीरो इंडेक्स क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वहां पर ये प्रोग्राम का नेम स्टोर्ड है। अब जो 10 और 20 में इनपुट करा रहा हूँ वो स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे, तो मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक फंक्शन यूज किया A2I, अल्फा न्यूमेरिक टू इंटीजर। तो वो ARGV1 में जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको नंबर बनाएगा, तो ए और बी में दो नंबर आ जाएंगे 10, 20, उन दोनों का सम होकर जो रिजल्ट है वो प्रिंट होगा। तो अब देखो मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने आउटपुट क्या शो कर दिया, सम इक्वल्स टू 30। तो हमने प्रोग्राम को नॉर्मली रन ना करके कमांड प्रॉम्प्ट से रन किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली ये दो होते हैं, पहले में क्वांटिटी आती है कि कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, और जो दूसरा है पैरामीटर वो रिसीव करता है कि जो वैल्यूज आपने पास की, एंड उसके बाद जो भी लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट करना है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पर एक शॉर्ट नोट आता है, तो आप इसकी थ्योरी और ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली हम शुरू से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, दैट इज हेडर फाइल इंक्लूजन। तो प्रोग्राम में जो भी हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट होते हैं उनको हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं। तो हमने एक हैश इंक्लूड ऑलरेडी यूज किया हुआ है, अब हम एक और यूज करने वाले हैं, हैश डिफाइन। तो ये प्रोग्राम तो मैं इरेज कर देता हूँ, मैं लिखूंगा हैश डिफाइन, ठीक है। और लेट से मैंने यहां पर लिख दिया मैक्स और उसकी वैल्यू मेंशन कर दी 10। तो अब पूरे प्रोग्राम में जहां भी आप ये मैक्स वर्ड यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली किससे रिप्लेस हो जाएगा, 10 से। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ % डी मैक्स, और अगर अपन इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ये देखो आउटपुट पे ऑटोमेटिकली क्या प्रिंट हुआ, 10। तो ये हैश डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की तरह काम करता है। इसको हम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब अगर अपन एक एग्जांपल देखें कि हमने एक एरे बनाया, ठीक है, और इंट ए 10 लिखा, देन आई वेरिएबल, ठीक है। अब हमें यूजर से एरे को इनपुट कराना है, तो हमने लिखा एंटर % डी वैल्यूज। तो मैं इसका हैश डिफाइन का जो प्रॉपर यूज है वो आपको बता दूं। देखो जहां भी मुझे 10 प्रिंट कराना है ना, वहां पर मैंने क्या लिख दिया, मैक्स, ठीक है। वहां पर मैंने मैक्स लिखा तो मैक्स ऑटोमेटिकली 10 से रिप्लेस होगा, तो % डी की जगह 10 प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे फॉर लूप चलाना है, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, तो मैं 10 की जगह क्या लिख रहा हूँ, मैक्स। तो जैसे ही आप कोड कंपाइल करेंगे तो मैक्स ऑटोमेटिकली 10 से रिप्लेस हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है, तो एक बार मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये मैंने स्कैनर के थ्रू वैल्यूज को रीड करा लिया, उसके बाद मैंने लिखा हैव एंटर्ड, उसके बाद मैंने फिर से लूप लिखा, ये लूप भी मैं मैक्स टाइम इटरेट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ बैकस्लैश एन % डी ए ऑफ आई, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैक्स मैंने यहाँ भी यूज किया, मैक्स मैंने यहाँ भी यूज किया, यहाँ भी यूज किया, तीन बार मैंने यूज किया, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया एंटर 10 वैल्यूज, तो मैं 10 वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ, तो लूप ऑटोमेटिकली 10 टाइम चला और उसने 10 नंबर्स प्रिंट करा दिए। अब लेट सपोज मुझे 20 टाइम्स इस लूप को चलाना है, एक बार यहां भी मैक्स लिख कर देखते हैं क्या होता है। ये इस केस में भी प्रॉपरली चल रहा है, मतलब जहां पर एरे का साइज हमें मेंशन करना है वहां भी आप मैक्स लिख सकते हो, ठीक। तो अभी ये प्रोग्राम 10 एलिमेंट्स के लिए बना, मतलब एरे का जो साइज है वो 10 है, उसके अकॉर्डिंग ये बाकी कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम चाहते हैं कि हमें 20 एलिमेंट्स को मैनेज करना है, तो आपको सिर्फ एक ही जगह चेंज करना है ऊपर 20, तो मैक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 20, ठीक है। अब यहाँ मैक्स की जगह अगर आप साइज लिखना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, आप नेम कुछ भी लिख सकते हैं, बट फिर वो हर जगह आपको साइज ही लिखना है। तो मैंने मैक्स लिखा, बट अगर हम एप्रोप्रिएट वर्ड देखें तो वो साइज होगा, तो मैंने हर जगह साइज मेंशन कर दिया। तो अब ये जो अब प्रोसेस है वो कितनी बार चलेगा, 20 टाइम्स। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो एंटर 20 वैल्यूज, तो अब मुझे 20 टाइम 1 एंटर करना पड़ेगा, और 20 टाइम 1 प्रिंट हो गया।
तो इस तरीके से आपको हैश डिफाइन का यूज समझ में आया होगा कि अगर आपको सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट क्रिएट करना है जिनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कंपाइलेशन टाइम पर रिप्लेस हो जाती है और उसको मल्टीपल प्लेसेस पर आपको यूज करना है तो आप हैश डिफाइन को यूज कर सकते हैं। और हैश इंक्लूड आप ऑलरेडी यूज करते हुए आ ही रहे हैं, तो जब भी आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है तो हम हैश इंक्लूड को यूज करते हैं। तो हैश से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। एंड एक एग्जांपल मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी इसके थ्रू पॉसिबल है। जैसे मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो मैं ये लिख रहा हूँ, और मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी। अब मैंने यहाँ लिख दिया स्क्वायर ऑफ फाइव। तो अब देखो ये स्क्वायर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इसमें फाइव पास किया तो फाइव एक्स के थ्रू रिप्लेस होगा। तो इट मींस जहां पर भी ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्स करके लिखा हुआ रहेगा तो वहां जो ब्रैकेट में वैल्यू होगी वो इससे रिप्लेस हो जाएगी, मतलब एक्स इंटू एक्स। तो ये जो स्क्वायर ऑफ फाइव लिखा है ये बेसिकली क्या बन जाएगा, फाइव इंटू फाइव। तो फाइव इंटू फाइव का जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो 25 एज आउटपुट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो ये कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज है जो आप अपने प्रोग्राम्स को और इजी बनाने के लिए कर सकते हैं। अब थर्ड थिंग इज स्टोरेज क्लास। तो स्टोरेज क्लास के लिए चलते हैं अपनी पीपीटी पर। तो स्टोरेज क्लास एक थियोरेटिकल टॉपिक है। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम वेरिएबल को कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। सो स्टोरेज क्लास डिफाइंस फोर एडिशनल properties to each type of variable. These properties are default initial value, storage location, scope and lifetime. ठीक है, तो जब आप variable बनाते तो ये चार चीजें उस variable से associated होती है। तो अब अपने पास में चार अलग अलग तरह की storage classes हैं। तो ये जो चीज मैं आपको explain कर रहा हूँ storage class, ये भी एक theoretical question है जो exams में normally पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि storage class basically क्या होती है, क्या उसकी properties होती है और कौन कौन सी स्टोरेज क्लास अवेलेबल है। तो टोटल फोर स्टोरेज क्लासेस अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक, जिसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं ऑटो। सेकंड इज रजिस्टर, जिसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं रजिस्टर। देन थर्ड इज स्टैटिक, जिसके लिए कीवर्ड यूज करेंगे स्टैटिक। फोर्थ वन इज एक्सटर्नल, जिसके लिए कीवर्ड यूज करेंगे एक्सटर्नल। तो ये चार कीवर्ड्स और होते हैं जो हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, तो देखो टॉप पर तो प्रॉपर्टीज हैं डिफॉल्ट वैल्यू, स्टोरेज लोकेशन, स्कोप एंड लाइफ टाइम, एंड लेफ्ट में चारों स्टोरेज क्लासेस मेंशन्ड है। ठीक है, तो अब इनको पढ़कर आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर ऑटो स्टोरेज क्लास यूज की तो डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होगी, रजिस्टर यूज किया तो गार्बेज होगा, स्टैटिक यूज किया तो जीरो होगा और एक्सटर्न यूज किया तो जीरो होगा। तो एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल देखें अपन की ये कैसे लिखा जाएगा, तो जैसे अभी आप लिखते थे इंट ए, तो अब आप क्या लिख सकते हो ऑटो इंट ए। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि आज तक तो हमने स्टोरेज क्लास यूज नहीं की, तो अभी तक कौन सी स्टोरेज क्लास यूज होती थी। तो ये जो पहली स्टोरेज क्लास है दिस इज डिफॉल्ट। अगर आप अपने वेरिएबल के साथ कोई भी स्टोरेज क्लास यूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन सी स्टोरेज क्लास काम करती है, ऑटो। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ये भी ऑटो है और ये वेरिएबल भी ऑटो होगा। ठीक है, रजिस्टर बनाना है तो आप रजिस्टर यूज करेंगे, अगर आपको स्टैटिक यूज करना है तो आप स्टैटिक यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप का स्टोरेज क्लास वेरिएबल के साथ ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम ऑटो की बात करें तो इसका स्टोरेज लोकेशन होता है रैम, रजिस्टर का स्टोरेज लोकेशन है सीपीयू रजिस्टर्स, स्टैटिक का भी रैम और एक्सटर्न का भी रैम होता है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू एंड स्टोरेज लोकेशन बहुत ही सिंपल है। स्कोप लोकल, लोकल का मतलब है कर्ली बेसिस, कि ये जो मेन फंक्शन के कर्ली बेसिस है अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल एक्सेसिबल है तो वो लोकल होगा, और इस मेन के बाहर अगर हम और कोई फंक्शन बनाते हैं और वहां पर भी वो वेरिएबल एक्सेसिबल है तो इट मीन्स स्कोप हो गया ग्लोबल। तो जो एक्सटर्न है सिर्फ उसका स्कोप ग्लोबल होता है, बाकी तीनों का जो स्कोप है वो क्या होगा, लोकल। देन लाइफ टाइम, ऑटो के केस में टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक, जब तक आप उस ब्लॉक में वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ही ब्लॉक से बाहर दूसरे ब्लॉक में जाएंगे तो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेम रजिस्टर के साथ होगा। देन स्टैटिक बोलता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, तो अगर एक फंक्शन को एक से ज्यादा बार कॉल किया, तो फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन को पहली बार कॉल किया और वेरिएबल की लास्ट वैल्यू थी 5,
जब उसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू 5 एज इट इज मिलेगी, आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट मींस वेरिएबल अपनी वैल्यू परसिस्ट करता है चाहे फंक्शन कितनी भी बार कॉल हो। एंड एक्सटर्न के केस में टिल द प्रोग्राम कम्स टू एन एंड, तो जो एक्सटर्न है उस केस में जब तक प्रोग्राम फिनिश नहीं हो जाता तब तक उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड रहती है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, एंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताया। तो नॉर्मली हम जो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करते हैं उसके लिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को यूज नहीं करते, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना होता है और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में प्रोग्रामर ही इनपुट प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि उसको ही मालूम है कि अंदर कैलकुलेशंस क्या है। देन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि हैश इंक्लूड आप ऑलरेडी यूज करते ही थे, तो मैंने आपको एक और बताया हैश डिफाइंड जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। एंड ये चार स्टोरेज क्लासेस जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी था। सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब अगले दो वीडियोस का और आपको एनालाइज करना है कि हम इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद जितना आपने इस पूरी वीडियो सीरीज से सीखा है तो उसको आप एक्सप्लोर कर पाएंगे कि आपकी नॉलेज कितनी है। तो इन दोनों वीडियोस को भी जरूर से देखिएगा। एंड पूरी वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो की है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई होप कि पूरी प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप अपनी सी लैंग्वेज पर जो कमांड है वो प्रॉपर कर पाए होंगे और मेरे वीडियोस के एफर्ट से आपकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हुई होगी। सो आई होप कि आगे आने वाले जो दो वीडियोज हैं लेक्चर नंबर 32 एंड 33 ये आपके प्लेसमेंट्स की स्किल इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल सीरीज। थैंक यू।